रेडियो सिटी 91.1 से मेरा नाम यूवी है और आज के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर चिराग सेठी, द फाउंडर द एमडी ऑफ क्लासिक फिटनेस एकेडमी। सर, वेलकम टू रेडियो सिटी। अपनी भारी आवाज में एक बार हेलो बोल दो। हेलो 91.1 लिस्टर्स, माय नेम इज चिराग सेठी एंड आई एम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लासिक फिटनेस एकेडमी। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि सर की आवाज अच्छी है, रेडियो जॉकी मैं ही हूँ, ही इज अ गेस्ट बेसिकली टुडे। सर, टू बिगिन विद, आपकी आवाज तो बताती है कि आप फिटनेस इंडस्ट्री से ही हो। मैं ना पिछले 10 मिनट से सर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे, बहुत संजीदा बहुत सीरियस लुक है सर। तो क्लासिक फिटनेस एकेडमी, बताओ पहले प्लीज हमें क्या है। सो ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम फिटनेस रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, जहाँ पे जो लोग एस्पायर करते हैं टू बिकम अ फिटनेस प्रोफेशनल, एक नया करियर है, बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो इसके लिए इसमें हम एजुकेशन के लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो पिक दिस एज अ करियर। सो इट्स नॉट जस्ट अ वेरी आई वुड से एस्पायरिंग करियर बट ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग एट द अंदर एंड। मुझे लगता है पर्सनली बहुत फायदे वाला करियर है ये, आप किसी का फायदा तो करियर वाइज कर ही सकते हैं। सर, लॉकडाउन ने, मैंने जो देखा इंस्टाग्राम पे 6 महीने में सबने देखा है, हर इंसान अपने घर में एक एक्सपर्ट बन गया था, है ना। उसने 5 किलो के डंबल उठाए, अब प्रेशर हो गया मेरे 3 दोस्तों ने किया तो मुझे भी करना है। कितना आपको लगता है कि लॉकडाउन से फिटनेस एक्चुअली प्रमोट हुआ है? फिटनेस एक्चुअली प्रमोट इसलिए हुआ कि लोग खाली थे, कर पा रहे थे, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल था वो ये था जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की हम बात करते हैं। आज हम सब इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप सब लोग सप्लीमेंट्स देख रहे हैं, लोग काढ़े पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये रियलाइज नहीं कर रहे कि जो सबसे अच्छा तरीका था इम्यूनिटी बढ़ाने का वो तो एक्सरसाइज ही है ना। आज से नहीं और कई सालों से यही एक चीज है। तो रादर देन आई वेस्टिंग टाइम ऑन दीज थिंग्स, व्हाई शुड आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करूं जिससे कि मेरी इम्यूनिटी बेटर हो, ओवरऑल मेरा लाइफ स्पैन बेटर हो। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, मेरा बुढ़ापा अच्छा कटे उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें हैं, मैं तो पहली भी मानता हूँ कि अच्छा दिखने के लिए भी जरूरी है, बट ऑफ कोर्स हाँ, जिस तरह के हमारे आजकल लिविंग हैबिट्स हो गई है, ईटिंग हैबिट्स हो गई है, या लाइफस्टाइल हो गया है, जो सडन चेंज आया है पिछले 15-1 साल में, मुझे लगता है बुढ़ापा थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट सर, क्योंकि आप इस फिटनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो अराउंड फिटनेस जो आप करते हो, कहां से वो रियलाइज हुआ दैट आई नीड टू टेक द ओनर्स ऑन माय सेल्फ कि मैं लीड करूं अपना वे और लोगों को एजुकेट, बिकॉज़ ये एजुकेशन ही है फिटनेस के बारे में। सो इस पे बेसिकली एज अ करियर जब मैं बात करूं तो मैं आई वाज टीचिंग फॉर अ कंपनी व्हिच वाज डूइंग सिमिलर वर्क, बट उनका केआरए शायद सेम नहीं था। मुझे था कि मुझे इस पे बहुत कुछ करना, बिकॉज इंडस्ट्री तो है बट बहुत अनरेगुलेटेड है और अभी भी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है सर्टिफिकेशन की बात नहीं करते, तो वहां पर देन आई केम इनटू पिक्चर एंड सेड लेट्स डू दिस। तो मैंने कॉलेज कैंटीन से शुरू किया, एक कॉलेज कैंटीन में जाके मैंने पढ़ाना शुरू किया, 3 बच्चे 4 बच्चे 10 ऐसे करते करते बड़ा। तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल आई, शी सेड यू टेक अप द स्पेस, मुझे रेंट बाद में दे देना, कोई बात नहीं, बिकॉज देयर वर पीपल हु वांटेड टू लर्न, बहुत सारे बच्चे थे जिनको सीखना था, जिनके पास वो पैशन था सीखने का बट कोई मींस नहीं था, या तो आपके पास कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस थे और आज से 15 साल पहले शायद ऑनलाइन भी इतना बूम नहीं था और बहुत सारे लोगों को बहुत शर्म आती थी कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा। उसको एक लेवल तक लेके जाना, उसके कॉलेज के लेवल तक लेके जाना, वो क्लासरूम सेटिंग, वो स्केलेटन जो आपको एक MBBS कॉलेज में मिलता है, वो सारी चीजें हमने अपने क्लासरूम्स में दी, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द जिम, तो वो सारी चीजें, इसको कहते हैं ना एक अच्छी कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम इसको लेके आ रहे हैं और आज इसको लेकर आ चुके हैं। आज से 15 साल पहले वर्सेज आज एक बहुत बड़ा चेंज है that we have created in education. ये कब लिया था सर आपने कॉलेज स्पेस, कौन से साल में? ये था 2007-8 which is 13 years. तो ये 13 साल की जर्नी लगी है, दो दो तीन तीन बच्चों को कन्विंस करने के साथ साथ, ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन अ क्लासरूम, एंड अब जो आपने क्लासिक फिटनेस अकेडमी शुरू की है। ऑल्सो टेल अस, अब दिल्ली में कहाँ कहाँ पर हो सर? दिल्ली में हमारा अभी जो सेंटर है वो मालवीय नगर में है, सो इट्स द हेड ऑफिस ऑल्सो, तो वहां पर बच्चे आते हैं, 3-3 घंटे के क्लासेस होती हैं और 2 से 3 महीने के कोर्सेज हैं, फिटनेस ट्रेनिंग पे, पर्सनल ट्रेनिंग पे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, न्यूट्रिशन, किसी भी जॉनरे का कोर्स आप पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। और ये कहाँ से सर्टिफाइड है कोर्स? कुछ अमेरिकन एक्रेडिशन हैं, कुछ यूरोपियन एक्रेडिशन हैं, कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, स्किल इंडिया जो आजकल हमारे मोदी जी भी बहुत बात करते हैं इसके बारे में, तो एक स्किल है, हमने इसको एज आइडेंटिफाई किया एज अ स्किल, तो उसके लिए जो स्किल इंडिया है वो भी इसका एक पार्ट है, NSDC व्हिच इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनकी तरफ से भी सर्टिफिकेट्स है जिसकी वजह से आप एक सरकारी नौकरी की तरफ भी अप्लाई कर सकते हो, कल को अगर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या किसी टीम के साथ कुछ निकलता है तो ये सर्टिफिकेट्स आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो नेशनल एम्बलम जो हमारा प्राउड है वो आपके सर्टिफिकेट पे लगा हुआ होगा। क्या ड्यूरेशन है सर कोर्सेज की?
ये डिपेंड करता है लगभग, आप वीकडे बैचेस लेते हो जो कि मंडे टू थर्सडे 4 दिन चलते हैं, वीकेंड लेते हो सैटरडे संडे, तो वीकडे थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं लगभग 1.5 से 2 महीने, वीकेंड्स जो है वो 3 से 4 महीने की तरफ चले जाते हैं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं. बट अगेन करिकुलम सेम रहता है, जस्ट दैट कि आप कंटिन्यूटी के साथ करते हो या आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, वीकेंड्स पे चले जाते हो कि मंडे टू फ्राइडे आप अपनी जॉब करते हो, सैटरडे संडे आपने ये कोर्सेज पिकअप कर लिए. जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे हमारे पास लोग आते हैं मॉरिशस से, कुवैत से, ओमान से, तो वो 2 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं, कोर्स किया, एग्जाम दिया एंड दे गो बैक. यार कितना फैसिनेटिंग है ये कि न्यूट्रिशन, मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते भी हैं, क्या आधा से ज्यादा हम सब लोगों को पता भी है कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, वो कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, वो कब खाना चाहिए. बहुत नॉर्मल पॉइंट्स है सर. तो क्वांटिटी और क्वालिटी की अगर बात करें, ऑफ कोर्स क्वालिटी नो वन कॉम्प्रोमाइजेस, बट क्वांटिटी फर्क करती है व्हेन इट कम्स टू डाइट. बिल्कुल. आप एक छोटी सी चीज को देखिए, एक चम्मच है आपके पास, ठीक है, आपको मैंने कुछ बोला कि एक चम्मच ऑयल पीना, ठीक है. अब आपके पास दो ऑप्शन है, व्हेन यू ओपन योर किचन ट्रे तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो चाय के लिए होता है जो हम बोलते हैं टीस्पून, एक होता है टेबलस्पून. टीस्पून की सर्विंग होती है 5 ग्राम की, टेबलस्पून की होती है 15. सो इफ आई टोल्ड यू टीस्पून, वन टीस्पून वर्सेस वन टेबलस्पून, तो 3 गुना का फर्क होता है. और इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर आप डोसा वगैरह खाने जाते हो तो वहां पे आप देखते हो क्या करता है, 3 चम्मच उठाता है, तेल डालता है. सो एवरी ml ऑफ ऑयल दैट ही इज पुटिंग वो 9 कैलोरी के बराबर है. तो अगर वो 3 चम्मच तेल डालता है, 15 × 3 = 45, 45 × 9 = लगभग 405 कैलोरी अभी उसके तवे पर है, और अभी उसने बैटर नहीं डाला, अभी उसने उसमें आलू नहीं डाला, उस पर उसने नारियल की चटनी नहीं डाली, तो वो पूरा मील मिला के ना 1000 कैलोरी का मील होता है. और बहुत सारे लोगों की ना पूरी डेली रिक्वायरमेंट 1200 कैलोरी होती है, और वो एक डोसा जो है वो 1000 कैलोरी 800 कैलोरी के आसपास हो जाता है. और यही चीज है ना, लोगों को समझ में नहीं आती, वो क्या बोले, अरे यार एक छोटा सा डोसा तो खाया था मैंने. मैं अभी तक साउथ इंडियन फूड को हेल्दी अज्यूम करता था, अब से मेरी नोशन चाहिए, फिर तो मैं पास्ता ही ना खा लूं सर, अगर इतना ही मैंने कैलोरीज इंटेक करनी है तो. इवेंचुअली यही लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हर चीज काउंट होती है, उसमें सिर्फ आप कितना पोर्शन खा रहे हो नहीं, वो कैसे बना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेजर करना बहुत बहुत जरूरी होता है. कि जब मैंने डोसे का जैसे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर हमें पता ही नहीं होता, हम ये सोच के खाते यार ये बहुत हेल्दी है, बट जब उसके ऑल्टरनेटिव्स निकल के आते हैं तो लगता है यार ये तो इतनी सारी कैलोरीज है. चिकन नगेट्स आप सब लोगों ने खाए होंगे, श्योर, बिल्कुल. आप उसकी कैलोरीज कभी डाल के देखना किसी भी ऐप पे, एक चिकन नगेट जो है वो लगभग 100 कैलोरी के आसपास होता है, और 20 वो आराम से आपको देते हैं कि 20 का पैकेट ले जाओ, और आप आराम से बैठ के उसको खा सकते हो, पूरे दिन के मील के इक्विवेलेंट है वो एक पैकेट. अगर मैंने सर से 10 मिनट और बात की तो मैं गिल्ट ट्रिप में चला जाऊंगा, क्योंकि यही चीजें खा रहा हूं मैं. चिकन नगेट्स मैंने कल शाम को खाए थे, डोसा मेरा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो मुझे अभी तक हेल्दी लगता था. बट सर, टॉकिंग अबाउट फिटनेस एज अ करियर, यू नो, बहुत अच्छा है, अवेयरनेस होनी चाहिए, यू नो, जितना पढ़ो आप कहते हैं न्यूट्रिशन और फूड के बारे में आपके लिए बेनिफिशियल है, फर्स्ट फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, बट एज अ करियर सबका पहला क्वेश्चन हिंदुस्तान में करियर को लेकर होता है कि पॉकेट वाइज कितना फुलफिलिंग है. इसका ना थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा. जब मैंने भी ये करियर शुरू किया था ना, तो इसमें बहुत एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है कि करता क्या, मेरे पेरेंट्स भी ये बोलते थे करता क्या है, बोलेगा क्या जाकर, क्या करता है ये, क्या चीज करता है. बट वही है, विद टाइम जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे जैसे थोड़ा रिकॉग्निशन मिला मीडिया से, वो हुआ, तो आज दे वेरी प्राउड ऑफ इट. पर ये होता है, मैं भी आपको ये समझाऊंगा कि ये जो चीज है ना, अब एक ऑल्टरनेटिव करियर की तरह लोग देख रहे हैं, बट इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन. इफ यू सी, कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी बड़ा फिल्म स्टार हो, ही विल कम एंड ही विल कॉल यू सर, और ही विल कॉल यू विद अ नेम, विद रिस्पेक्ट. एक घंटा आप स्पेंड करते हो, कितने लोगों को चांस मिलता है शाहरुख खान के साथ एक घंटा रोज स्पेंड करने का, बट उसके ट्रेनर को वो चांस मिलता है, ही विल स्पेंड 1 आवर विद हिम एवरी डे, सलमान खान के साथ और एनी अदर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ. आज अगर वो फिट दिखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जो उसका फिटनेस ट्रेनर है या पर्सनल ट्रेनर है वो उसके साथ रहता है, एक घंटा उसके साथ स्पेंड करता है, एक्सरसाइज में हेल्प करता है. तो ये ग्लैमरस तरीके से भी अगर आप देखो तो ये चीज है. और ऐसे बहुत सारे डेली में लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, हु स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन फिटनेस. आज मैं देखता हूँ 20-22 साल का लड़का है जिसने अभी कॉलेज खत्म किया है या कहीं पर स्कूल खत्म करता है, और उसकी सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए, जो पर्सनल ट्रेनिंग इनकम है उसकी वो 2 से 3 लाख रुपए, और वो आके बोलता है सर मतलब 3 लाख रुपए महीना कमा लिया, अब क्या करूँ, आगे बोर हो गया मैं 22 साल की उम्र में. मतलब ये हमारे पेरेंट्स की शायद टुवर्ड्स देयर एंड, जब उनका कहता है ना जॉब का टाइम लास्ट टाइम होता है और रिटायरमेंट से पहले वो शायद इनकम जनरेट करते होंगे, या पूरी जो पेंशन होती है वो सब मिला के इतनी होती होगी. और ये एक आदमी है जो साल के 24 से 30 लाख रुपए कमाते हैं, और जो बोलते हैं सर मैं बोर हो गया मैं क्या करूँ. एंड दिस इज अ ट्रेनर हु इज प्रैक्टिसिंग समवेयर इन आगरा, अगर वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, बट वहां पर उस लड़के ने ये किया, और 20-21 साल उसकी उम्र थी, बोला सर मैं क्या करूँ, मेरा मन करता है बस पैसे बहुत कमा लिए, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं.
और ये तब है बाय द वे जब वो खुद भी फिट है. हाँ. क्योंकि ऑफ कोर्स आपको नॉलेज है, आपको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना वर्कआउट करना है नहीं करना. सो द एडेड एडवांटेज इज कि आप खुद भी फिट रहते हो और फिटनेस फैलाते हो. सर एक फ्रेज में पूछता हूँ बिफोर वी एंड दिस ऑफ. फिटनेस एक नशा है, ये लाइफस्टाइल चेंज है. ये कोई ये नहीं है मैं 3 महीने में पतला हो जाऊंगा ए बी सी डी डाइट प्लान करके मैंने अचीव कर लिया 8 किलो माइनस हो गया अब सब कुछ सही है बैक टू नॉर्मल. बिकॉज ये एक चेंज इन लाइफस्टाइल है, एक अलग चेंज गियर है लाइफ का. इसको आप कैसे लेते हो? तो इसमें क्या है कि जब आप फिटनेस की बात करते हो तो मैंने पहले भी कहा ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट्स अबाउट कि आपका बुढ़ापा कैसे जाने वाला है, घुटनों में कितना दर्द रहेगा, घुटने चेंज तो नहीं कराने वाले. कितने एथलीट्स का आपने देखा उन्होंने घुटने कभी चेंज कराया है? कभी भी नहीं. क्यों? क्योंकि फिट रहते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं और अपनी एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं. तो जहां मैं एक शॉर्ट टर्म एम लेके चलता हूं ना वेट लॉस का, जिस दिन मैं हो गया ना मैं उस दिन हट जाऊंगा वहां से. मुझे एम लेके चलना है कि मेरे को ये कंटिन्यूअसली करना है और मेरे एम चेंज होंगे. हो सकता है आज मेरा एम है वेट लॉस करना, कल मेरा एम होगा हाफ मैराथन दौड़ना, हो सकता है अगला एम हो फुल मैराथन दौड़ना, उससे अगला एम हो शायद क्रॉस कंट्री रन करना. कुछ भी ऐसा एम जो कीप ऑन चेंजिंग और वो मुझे फिट कर रहा है. और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो आज 60+ है और फुल मैराथन दौड़ते हैं, 4 घंटे में 4.25 घंटे में 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हैं. वो पैशन के लिए कर रहा हूं, ये करियर नहीं है. कोई शायद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, इस तरह के भी लोग हैं. और शाम को वो पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव करियर. बहुत सारे MBAs हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो साथ में 2 घंटे 3 घंटे शाम को एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करते हैं. और माइंडेड वो इनकम जो है ना उनके पूरे दिन की इनकम से ज्यादा होती है. ये एक सेकंड का साइलेंस डेलिब्रेट था. जो सर ने एथलीट्स वाली बात कही जस्ट वाइंडिंग दिस ऑफ, मुझे याद है मैंने 2 बार मिल्खा सिंह सर को इंटरव्यू किया है और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक गोली एक दवाई तक नहीं खाई, चाहे वो सर दर्द की हो पेट दर्द की हो या किसी की भी हो. और आज भी एट द एज ऑफ आई थिंक 92 ही इज द फर्स्ट वन टू गेट अप इन द मॉर्निंग चंडीगढ़ में सुखना लेक पे. क्योंकि एक लाइफस्टाइल है कि चेंज है, दिस इज हाउ यू लिव, दिस इज हाउ यू स्टे फिट. सर थैंक यू सो मच. बिफोर आई जस्ट वाइंड दिस ऑफ एक पर्सनल क्वेश्चन है, योगर्ट जो कि दही है और ग्रीक योगर्ट में कितना फर्क होता है? मैं ये कर रहा हूँ आजकल, प्लीज बताओ. सो योगर्ट की जब आप बात करते हो, जो हमारी नॉर्मल दही होती है उसको अगर कपड़े में बांध करके आप रख देते हो और उसका पानी निकल जाता है और वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, उसको आप बोलते हो ग्रीक योगर्ट. पर ग्रीक योगर्ट इतना महंगा क्यों है मार्केट में? क्योंकि ब्रांडिंग है ना. ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके घर पे होता भी होगा. जो पनीर निकलने का प्रोसेस है प्रोटीन क्वालिटी सेम रहती है, सिर्फ वो थिक हो जाती है इसलिए आपको लगता है कि वो ज्यादा अच्छे, उसको फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है, उसको मार्केट इस तरह से किया जाता है, आपको लगता है यार ये बहुत न्यूट्रिटिव है. बट अगर आप उसको नॉर्मल दही से कंपेयर करोगे जो हमारे टाइम पे भी और हम सब ने खाई है, वो बहुत बेटर है. और जो रूम टेम्परेचर पे आप दही लेते हो तो उस पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है वो ज्यादा देर के लिए सर्वाइव करता है, आपके गट के लिए वो ज्यादा अच्छा होता है रादर देन दीज फ्रीज्ड और दीज प्रिजर्वेटिव फिल्ड योगर्ट्स. उससे हमेशा बेटर होता है कि अगर घर में फ्रेश दही बनी है और वो रूम टेम्परेचर पे है तो उसको वैसे ही कंज्यूम किया जाए. न्यूट्रिशन के बारे में जितना बात करोगे ना आपको उतना मजा आएगा क्योंकि आपको पता है कि वो चेंजेस आप इम्बाइब कर सकते हो. दैट्स डॉक्टर चिराग सेठी एंड द फाउंडर एंड द एमडी ऑफ क्लासिक फिटनेस एकेडमी. सर जाते जाते इफ एनीवन वांट्स टू गेट इन टच विद यू, सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस हमारी वेबसाइट है classicfitnessgroup.com, या तो वहां चले जाइए या हमारा एक टोल फ्री नंबर है 8971281470 जहाँ पे कॉल करके आप हमारे किसी भी सेंटर में, चाहे वो दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर, लखनऊ, जयपुर, कहीं पर भी जाकर आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं. हमारे काउंसलर्स वहाँ पे अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेंगे, आपको करियर की एडवाइस देंगे और अगर आपके और भी कहीं करियर में स्टक है फिटनेस में तो उसको भी आगे ले जाने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.